जब एक साधु को कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोका गया, फिर जो हुआ देखकर सबके पसीने छूट गए। दोस्तों, पर्पस ऑफ लाइफ यानी जीवन का उद्देश्य, हमारे भारत में आज भी जीवन का उद्देश्य खोजते खोजते इतनी देर हो जाती है कि यहाँ उद्देश्य जानने से पहले ही बुरे तरीके से हम भटके हुए होते हैं। आज के युवा वर्ग से आप कहेंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो कहेंगे गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छी नौकरी, सम्मान और अच्छी छोकरी, और इसी में जीवन समाप्त उनका हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में जो लोगों ने पैसा थोड़ा ज्यादा जल्दी कमा लिया है, 40 की उम्र तक काफी पैसा कमा लिया है, दौलत बना ली है, अब वो पीस की तरफ जा रहे हैं, शांति की तरफ जा रहे हैं, आत्म आंकलन, सेल्फ एनालिसिस और खुद को एक्सप्लोर करने की राह पर चल पड़े हैं। उन्हें मालूम है कि उनका उद्देश्य क्या है। भारतीय पौराणिक धर्म ग्रंथों में, चाहे जो भी धर्म यहाँ पर रहा हो, सब में एक ही बात बताई गई है, बाहर से ज्यादा अंदर की ओर झांको और आपको परमात्मा मिलेंगे, और उसी सच पर लोग अब निकलने लगे हैं। एक पर्टिकुलर एज पर जाने के बाद सब अपने ईश को तलाशने और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़ते हैं, और अगर आप 40 के ऊपर हो चुके हैं और आपके अंदर अभी भी स्पिरिचुअल चीजों का आगमन नहीं हुआ है, तो सीधी सी बात है कि आपने अपनी जिंदगी सही ढंग से जी नहीं, इसीलिए आपके अंदर अभी भी धर्म के प्रति रुझान नहीं आ रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऊपर वाला, ईश्वर, जो भी आप इन्हें नाम से पुकार लें, वो अपनी ओर बुला लेता है, अपनी आराधना में लीन करा लेता है। और जो लोग एक बार भगवान की आराधना में लीन होते हैं, जिन्हें भगवान वो किस्मत देता है, वो अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उसकी तरफ आए, उनके सारे काम, सारी बाधाएं ईश्वर खुद हर लेता है। आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। एक साधु को रोका जा रहा था कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने से, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से, और उसके बाद जो उसने किया वो आपको भी हिला कर रख देगा। आप और हम अपने जीवन के उद्देश्य को अपनी मृत्यु तक खोजते रहते हैं, पर कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां से आए थे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था, हमें पता ही नहीं चल पाता। लेकिन इन योगी साधुओं को इन सब सवालों के जवाब पता रहते हैं। ये जानते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हुआ था वो भी एक पर्पस से ही हुआ था, और हम सबका पर्पस हम नहीं तय करते, कोई और एक ईश्वर या शक्ति है, वही सब ये तय करती है, और उसी की राह पर हमको चलना है, बिलीव करना है, विश्वास करना है, आस्था रखनी है, और आप पहुंच जाएंगे वहां जहां जाना था आपको। आंख बंद करके बस आप ऊपर वाले पर विश्वास करके चलते रहिए। दोस्तों, गोपाल गिरी जी महाराज एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य योगी हैं। ये अपने धर्म लाभ के लिए भारत भर में भ्रमण कर रहे थे। करते करते वो पशुपति नाथ जी के दर्शन के लिए नेपाल काठमांडू पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम चला कि काठमांडू ही वो जगह है जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होती है। बस फिर क्या था, गोपाल गिरी जी महाराज, जिनका बचपन से एक ही सपना था कि वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करे, अब इन्हें वो अवसर भी मिल गया था। शरीर बूढ़ा हो चला था, लेकिन दिल में, उनके हृदय में कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने का जो गोल था, जो एम था, वो बेहद क्लियर था। उन्होंने प्रण लिया और आगे बढ़ चले। कैलाश मानसरोवर की यात्रा काठमांडू से ही शुरू होती है। वो काठमांडू से निकले और एक घंटे बाद वो काठमांडू के फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंच गए थे। फ्रेंडशिप ब्रिज वो ब्रिज है जो चाइना नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है, और यहाँ से चाइना की शुरुआत होती है। चाइना वाले जो हैं वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो काफी गहन चेकिंग करते हैं और उसके बाद ही अंदर किसी को एंट्री देते हैं, अन्यथा वहाँ एंट्री मिलना इतना आसान नहीं है, काफी मुश्किल होता है यहाँ से निकलना। तभी जैसे ही ये फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंचे, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर, तो वहां पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन आता है, एक बेहद बड़ा चक्रवात। दोस्तों, हम जो मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं, चक्रवात और साइक्लोन को हम घर के अंदर बैठ करके आराम से चाय पकौड़े खाते हुए निकाल देते हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, खास करके जो काफी दुर्गम स्थल हैं, जैसे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये एकदम बहुत दुर्गम होती है। पहाड़ी इलाकों में जान की बाजी लग जाती है। जब भी चक्रवात, तूफान या तेज बारिश होती है तो काफी सारी चीजें यहाँ होती है, भूस्खलन होता है, बादल फट जाता है, लोग बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, अपने परिवार से, और जान भी चली जाती है। तो अब जब गोपाल गिरी जी महाराज पहुंचे फ्रेंडशिप ब्रिज, तो वहां चक्रवात आ गया। बेहद बड़ा चक्रवात था, बेहद ही बड़ा साइक्लोन था।
सब वहां तितर बितर हो गए और सभी को कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैंसिल करने के लिए आदेश दे दिया गया। चीनियों ने ये कह दिया कि अंदर जाने नहीं देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन चक्रवात इतना तीव्र था कि वहां पर जो चीनी कर्मचारी थे, जो चीनी सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें भी शेल्टर की ओर बढ़ना पड़ा। यहां पर इस तूफान के सामने खड़े थे गोपाल गिरिजी महाराज और उनके दिल में चल रही थी वो आग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की। कैलाश पर्वत की परिक्रमा का उनका बचपन का सपना था। उन्होंने इधर देखा ना उधर और मन में सोचा अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, लेकिन काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और कदम आगे बढ़ा दिए उन्होंने महाकाल की आरजू में। उन्होंने कदम आगे बढ़ाना शुरू किया तो बस फिर क्या था, फिर वो नहीं रुके और चलते गए। वो चक्रवात के अंदर घुस गए, रोकने वाला कोई भी नहीं था, सब अपनी जान बचाने के लिए हट चुके थे और वो चक्रवात के अंदर एंटर कर जाते हैं। उनकी विल पावर कहिए, उनकी इच्छा शक्ति कहिए या उनकी अपनी आस्था के ऊपर अपना विश्वास कहिए कि उन्हें कुछ नहीं होगा और वो आगे बढ़ते चले गए। और 260 किलोमीटर का सफर करके वो सागा पहुँचते हैं। यहाँ भी चक्रवात था, तीव्र तो नहीं था लेकिन मध्यम था। लेकिन उसके बाद में जब वो प्रयाग पहुंचते हैं तो चक्रवात शांत हो जाता है। अब वो कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं और उनके सामने मिलता है उन्हें कैलाश पर्वत, जिसकी परिक्रमा करने का उनका मन था। वो थक हार कर वहां पहुंचे थे, शरीर में उतना बल भी नहीं रहा था, काफी मुश्किल यहां तक का सफर था और जैसे तैसे वो जान बचाकर यहां तक पहुंचे थे। लेकिन उन्हें पता था कि 54 किलोमीटर की होती है एक परिक्रमा, यानी कि काफी बड़ा विशालकाय पर्वत है कैलाश पर्वत, और उसकी 54 किलोमीटर की बेहद दुर्गम परिक्रमा करना आसान काम तो है नहीं, बहुत ही फिजिकली डिफिकल्ट टास्क होता है ये 54 किलोमीटर की परिक्रमा करना। लेकिन इसे 7 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद जो योगी गोपाल गिरिजी महाराज होते हैं वो 6-7 दिन में वो परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं। तभी उन्हें एक गुफा नजर आती है, अभी भी वहाँ पर हल्का फुल्का तूफान का असर रहता है। वहाँ पर रोने की आवाज आती है, ये किसी बच्चे की रोने की आवाज थी। गोपाल गिरिजी महाराज बिल्कुल बिना डरे उस गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ उनको एक छोटी बच्ची नजर आती है। छोटी बच्ची अपने माँ बाप से बिछड़ चुकी होती है और ये सब कुछ होता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान। साइक्लोन ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था। जो बच्ची अपने माँ बाप से बिछड़ चुकी होती है, गोपाल गिरिजी जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बच्ची को अपने साथ में लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और वापस पलट जाते हैं और अपने गंतव्य की तरफ, यानी कि वापस भारत की तरफ, वो वापस फ्रेंडशिप ब्रिज की तरफ पहुंच जाते हैं, नेपाल चाइना बॉर्डर की तरफ पहुंच जाते हैं। और इस वक्त भी वहां पर साइक्लोन एक्टिव रहता है। वो किसी तरीके से वहां से निकल के बाहर आते हैं। वो सारे लोग जिन्हें रोक दिया गया था ये यात्रा करने से, आगे बढ़ने से, जब वो देखते हैं कि तूफान को चीरता हुआ एक साधु आ रहा है जिसके हाथ में एक छोटी बच्ची है, तो लोग उससे पूछते हैं, क्या आपको आपकी जान का जोखिम नहीं लगता? क्या आपको मौत का भय नहीं है? आपको काल से डर नहीं लगता? आपने ये कैसे किया और क्यों किया? क्यों गए अंदर? तो वो साधु उनसे साफ साफ कहते हैं कि लगता है कि मेरी लाइफ का पर्पस यही था, मेरे जिंदगी का उद्देश्य ही यही था कि ये बच्ची जो कि वहाँ गुफा में फंसी हुई थी, वो मेरे ईष्ट, मेरे देवता ये चाहते थे कि मैं इसे बचाऊं, इसीलिए मेरी जो आराधना थी वो भी सक्सेसफुल हुई, मेरी परिक्रमा, मेरा तीर्थ भी सक्सेसफुल हुआ और उसे सक्सेसफुल करने वाले थे मेरे ईश्वर, मेरे महादेव। इस यात्रा को पूरा करने में महाकाल ने मेरी मदद करी क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इस बच्ची को बचा लूं। तो दोस्तों, जिंदगी में आगे कभी भी ऐसा लगे कि आगे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो कुछ मत सोचिए, बस ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। उस ऊपर वाले ने आपके लिए सब कुछ तैयार कर रखा है, सब कुछ बनाकर रखा हुआ है। आपको बस अपनी आस्था को फॉलो करना है, आगे बढ़ते चले जाना है और रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। बस आप चलते रहिए, रुके नहीं, थमे नहीं, विश्वास कीजिए ऊपर वाले ने आपके लिए आपका पूरा जीवन अच्छे से तैयार करके एकदम डिजाइन करके रखा हुआ है। जो रुकावटें भी आती हैं उनसे डरिए नहीं, ये रुकावटें आपकी सफलता की सीढ़ियां हैं, इन्हें फील कीजिए। ये बातें जो मैं कह रहा हूँ बस यूं ही सुनिए नहीं, इन्हें आप जीवन में फील कीजिए और मानिए इस बात को कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। और विश्वास कीजिए कि वो एक शक्ति जो आपके साथ चल रही है, वो आपका कुछ भी गलत होने नहीं देगी, हमेशा आपके हित में रहेगी। तो दोस्तों, इसीलिए ही तो कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का।
काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो दोस्तों इसी बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर से लगा दीजिए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।